हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अर्षा टेरेस गार्डन। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा बायो एंजाइम। कुछ महीने पहले, मैंने 3 महीने पहले आपको बताया था आपको बायो एंजाइम कैसे बनाया जाता है। मैंने आपको सिखाया था कि केले के छिलकों और नीम के पत्तों का मैंने बायो एंजाइम बनाया था। अब वो मेरा रेडी हो गया है और 3 महीने हो गए हैं। आज मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ। हाँ, मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, पर आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको कैसे यूज़ किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं बायो एंजाइम क्यों यूज़ करते हैं। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो हमारी पत्तियाँ बहुत ख़राब हो रही हैं, उसमें कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, बहुत सारे फंगस हो रहे हैं। उसी तरह मेरे पैन बारिश के वजह से पत्ते भी पीले पड़ गए हैं। ये देख सकते हैं मेरा बायो एंजाइम, ये जो केले के छिलकों का बनाया हुआ था, इसका कलर कैसे पूरा चेंज हो गया है। इसको मैंने एक बार पहले भी 8 दिन पहले यूज़ किया था, पूरा कलर चेंज हो गया है, येलो कलर हो गया है। और साथ में एक ये नीम के पत्तों का, ये भी पूरा ग्रीन हो गया है। हमारे गार्डन में बहुत ही यूज़फुल होता है और फ्री का है। मैंने बताया था घर में कैसे फ्री में हम बायो एंजाइम बना सकते हैं और इसको पौधे के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा होता है। इसको हम दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम इसको स्प्रे करके यूज़ कर सकते हैं, दूसरा हम मिट्टी में भी डाल सकते हैं। बहुत ही उपयोगी कारक है। जो भी कीड़े मकूड़े या चींटियाँ होती है सभी इससे मर जाते हैं और पौधों में फंगस नहीं लगता है। आप चाहें तो इसको फलों वाले सभी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही उपयोगी है। जैसे कि ये मेरी बोतल है, देख सकते हैं 2 लीटर की बोतल है, स्प्रे बोतल। आज मैं दोनों तरह से आपको सिखाऊंगी कि कैसे यूज़ करना है। हम मेरे वन कीड़े मकोड़े तो नहीं लगे हैं क्योंकि रेगुलरली मैं हर हफ्ते ये यूज़ करती रहती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी आधी बोतल नीम की खाली भी हो चुकी है। मैंने केले का जो छिलकों का बनाया था वो एक बार यूज़ किया है, लेकिन नीम का मैंने 2-3 बार यूज़ किया है। क्योंकि मैंने पौध लगाई थी भिंडी की और बीन वगैरह लगाया हुआ है, तो अभी उनके थोड़ा ही ग्रो हुआ है, तो मैं नहीं चाहती थी उसमें कुछ कीट वगैरह लगे। तो इसमें जैसे ही मैंने ग्रो किया तो उसमें मैंने यूज़ कर दिया है। बहुत ही उपयोगी कारक है। कई लोग तो बोलते हैं इसको हम सिंक होती है उसको साफ़ करने में यूज़ कर सकते हैं या फिर पोछा लगाने में। ये देखिए मैं 2 ढक्कन डालूंगी इसमें, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है, सिर्फ 2 ढक्कन। आप चाहें तो इसको छान कर भी एक बोतल में भर सकते हैं। ये कम से कम हमारा 2 से 3 साल तक ख़राब नहीं होता है, बहुत ही उपयोगी होता है। बस इसको मैं अभी अच्छी तरह शेक करके अपने सारे पौधों में दे दूँगी। क्योंकि अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो अक्सर कहीं ऐसे पौधे हैं जो हमारे ख़राब हो जाते हैं। जैसे ये मेरा मोगरा का पौधा है, बहुत ही इसके पत्ते पीले पड़ गए हैं। मैंने हर तरफ चेक करके देखा, कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं, लेकिन शायद ज़्यादा बारिश की वजह से ये ख़राब हो गया हो। इसी तरह आप अपने घर में बायो एंजाइम फ्री में बनाइए। बाहर से महंगे कीटनाशक दवाइयाँ लेने से अच्छा है क्यों ना हम घर में ही ऐसे फ्री के बनाएं। आपके सामने मैंने ये बनाया था और मेरा तैयार भी हो गया है। इसको 3 महीने से ऊपर हो गए और मैं हर 15 दिन में इसको अपने पत्तों के ऊपर ऐसे ही डालती रहती हूँ, जिसके वजह से एक भी पौधे में मेरे फ़िलहाल तो अभी कोई भी कितना हाथोच। ये देखिए पीले पत्ते मेरे कितने हो गए हैं। मुझे लगता है इसमें ज़्यादा पानी पड़ गया है, इसमें कोई कीड़ा मकोड़ा तो नहीं है, पर क्योंकि प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है और मेरे यहाँ तो कम से कम 1 हफ्ता हो गया है अहमदाबाद में, बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही है पूरा दिन। अभी भी मैं वीडियो बना रही तो थोड़ी बारिश पड़ती है। जब भी मैं टेरेस पर चढ़ती हूँ बारिश पड़ जाती है। आधा वीडियो बनाती हूँ फिर मुझे बंद करना पड़ता है और बारिश पड़ जाती है। ये बारिश के रुकने के बाद जो धूप निकलती है उसमें हमारे पौधे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसको आप 2 तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था बारिश पड़ गई, मुझे फिर वीडियो बंद करना पड़ा और फिर बनाना पड़ा। अब ये मैंने आधा बकेट बाल्टी का लिया है, उसमें ज़्यादा नहीं, मैं सिर्फ 2 ढक्कन डालूँगी क्योंकि अभी पौधों में पोलकर पानी भरा पड़ा है। बारिश की वजह से हर पौधा पानी से भरा पड़ा है, तो मुझे डालना नहीं था पर मैं आपको दिखाना चाहती थी, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। आप चाहें तो ये एक मग भर के हर एक गमले में 10 इंच से 12 इंच के गमले में आप डाल सकते हैं। ये पौधों को बिल्कुल नुकसान नहीं करता है, उल्टा फ़ायदेमंद ही होता है। ऐसा नहीं कि अगर इसकी थोड़ी मात्रा ज़्यादा पड़ गई तो हमारा पौधा मर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उल्टा इसमें जितनी भी मैं देखूं, पहले किसमें आना है, बिल्कुल सूखा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर मेरा थोड़ा सूखा हुआ है, बाकी तो मेरा बिल्कुल ही पानी पानी है।
बहुत ही अच्छा है, आपको ये घर में ज़रूर यूज़ करना चाहिए। इससे कभी भी हमारे पौधे मरते नहीं, क्योंकि नीम से तो पौधे उल्टा मिट्टी अच्छी होती है और कीड़े मकोड़े मरते हैं। इसको आप हर 10 दिन में यूज़ करते रिपीट कर सकते हैं और अपने मिट्टी में डाल सकते हैं। फ़िलहाल मैं थोड़े ही पौधों में डालूंगी, जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है सूखा है, बाकी तो मेरे पौधे सारे गीले हुए हैं। आप ये ज़रूर इंजैम बनाइए, बहुत इजी बन जाती है और ये बहुत फ्री की है। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और साथ में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।